प्रोटिस्टा के ग्रुप्स को हम पढ़े थे अपने लास्ट लेक्चर के अंदर. हमने प्रोटोजोआ जो ग्रुप है उसके मज़ीद टाइप्स को पढ़ा था. प्रोटोजोआ के अंदर हमने अमीबा को और ज़ूओफ्लैजेलेट्स को पढ़ा था. आज का जो हमारा टॉपिक है आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे मज़ीद जितनी टाइप्स हैं प्रोटोजोआंस की उनको वन बाय वन. आज के लेक्चर के अंदर प्रोटिस्टा के जो मज़ीद ग्रुप्स हैं हम उनको वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे. अपना नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है उसको हम कहते हैं सीलिएट्स. ये जो सीलिएट्स यहाँ का ये वाला जो ग्रुप है इसको हम पढ़ेंगे. अच्छा, सीलिएट्स का वर्ड जो है ये सीलिया से डिराइव हुआ है. और सीलिया क्या है? सीलिया जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं. इनके करेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन देखते जाते हैं. सीलिएट्स जो ऑर्गेनिज्म्स हैं ये हम कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैं और इनके ऊपर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेलिकल. दे हैव आउटर कवरिंग कॉल्ड पेलिकल. ये जो पेलिकल है ये क्योंकि आउटर कवरिंग है, बाहर पूरे ऑर्गेनिज्म के बाहर होती है, तो इससे होता है ये, इसका ये फ़ायदा होता है कि ये इसको एक डेफिनेट फिक्स्ड शेप देती है. और ये जो शेप है इसे हम कहते हैं ये चेंजेबल है, ये शेप बदल भी सकती है. ठीक है, तो एक फ्लेक्सिबल सी एक आउटर कवरिंग है जिसे हम कहते हैं पेलिकल. सीलिएट्स की जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म आता है उसे हम कहते हैं पैरामीशियम. एक इसकी एक एग्ज़ाम्पल है पैरामीशियम. और पैरामीशियम की जो अगर एग्जाम्पल को देखें हम, पैरामीशियम के ऊपर हमारे पास शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे कि हमने बात की सीलिया की. ठीक है, स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं सीलिया. ठीक है, हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम सीलिया कहते हैं. पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये स्ट्रक्चर्स होते हैं. और इसका काम क्या होता है, ये जो सीलिया है ये आप कह सकते हैं कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है, यानी कि पूरे ऑर्गेनिज्म को मूव करने के लिए ये सीलिया यूज़ हो जाते हैं. सीलिया किस तरह से यूज़ होते हैं? इस तरह से यूज़ होते हैं कि जितने भी फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमारे पास ऑर्गेनिज्म है और ये पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर इसके हम मार्क कर दें इस तरह से, छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होंगे. ये तमाम के तमाम स्ट्रक्चर जो हैं वो इकट्ठे एक ही वक्त में सिंक्रोनाइज होके मूव करते हैं. और ये फिर इस तरह से मूव करते हैं कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बैकवर्ड या फॉरवर्ड पुश करते हैं. ठीक है, यानी आप देख लें कि छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और ऑर्गेनिज्म को फिर मूव कराएंगे आगे या पीछे, फॉरवर्ड या बैकवर्ड. ठीक है, मूवमेंट जो है वो उनकी बहुत ही प्रिसाइज होती है. और इस प्रिसाइज मूवमेंट की वजह से ये टर्न भी कर सकते हैं, ये राउंड भी हो सकते हैं, पीछे की तरह बैकवर्ड भी जा सकते हैं. तो ये इनकी मूवमेंट जो है वो इस तरह से होती है. अच्छा, जब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम सीलिएट्स की, तो हम कहते हैं कि कुछ जो सीलिएट्स हैं, सम ऑफ द सीलिएट्स आर सिसाइल एज वेल. ठीक है, सम आर ARER सिसाइल. सिसाइल का वर्ड हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी यूज़ किया था. मैं आपको बताया था सिसाइल हम कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जो कि किसी खास चीज़ के साथ अटैच रहते हैं, या वो किसी रॉक के साथ अटैच हो सकते हैं या किसी और चीज़ के साथ, किसी दीवार के साथ, वॉल के साथ, किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सिसाइल. ठीक है, तो जो सीलिएट्स हैं कुछ सीलिएट्स वो सिसाइल भी होते हैं. और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो सिसाइल हमने कहा सीलिएट्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि वो बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, इंजेस्ट बैक्टीरिया. इंजेस्ट करने का क्या मतलब होता है? इंजेस्ट हम कहते हैं इंगल्फ कर लेना, खा लेना, पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स को खा लेना. तो ये ऑर्गेनिज्म जो है या तो बैक्टीरिया को या फिर बाकी जो हमारे पास छोटे छोटे प्रोटिस्ट आ जाते हैं वो बैक्टीरिया को या प्रोटिस्ट, तो उनको ये जो है वो इंजेस्ट कर लेता है. अच्छा, जैसे हमने अमीबा के स्ट्रक्चर को देखा था तो हमने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उनके अंदर. इसी तरह जो हमारे पास सीलिएट्स हैं इनके अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. और इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम ये होता है कि इसने इस पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन जिसे कहते हैं, वाटर रेगुलेशन, यानी कि कितना पानी ऑर्गेनिज्म के अंदर चाहिए और कितना पानी उसने एक्सक्रीट करना है, या ऑर्गेनिज्म के बाहर कितना पानी हो और अंदर कितना पानी हो, इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो यूज़ किया जाता है. अच्छा,
इसके जब हम सेल की बात करते हैं तो हमने कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल को देख लिया, इसके अलावा इसके सेल के अंदर एक एक ऐसा खास करेक्टरिस्टिक है जो कि बाकी प्रोटोजोन्स के अंदर नहीं होता, वो ये है कि इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, दो तरह के न्यूक्लियस जो हैं वो पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, दो तरह के न्यूक्लियाई हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियाई जो कि साइज़ में निस्बतन थोड़ा छोटा होता है, और एक है मैक्रो न्यूक्लियाई या मैक्रो न्यूक्लियस कह लें आप इसे, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल है शेप में और साइज़ में, लेकिन इसका काम ये है, इसका काम ये होता है कि उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करना होता है, ठीक है। यानी जब इस ऑर्गेनिज्म ने डिवाइड करना है एक से दो ऑर्गेनिजम्स में या रिप्रोड्यूस करना है तो वो माइक्रो न्यूक्लियस की मदद से डिवाइड करेगा। उसके बाद जो मैक्रो न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस का ये काम है कि इसने सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ को कंट्रोल करना है, ठीक है। इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, सेल की जो ग्रोथ हो रही है, सेल के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं ये उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा, जब हमने रिप्रोडक्शन की बात की वहाँ पे हम एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं सीलिएट्स, इनके अंदर ये कैपेबल होते हैं एक स्पेशल काइंड ऑफ, हम इसके कहते हैं सेक्सुअल प्रोसेस जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इसको हम मेटिंग इसको हम मेटिंग भी कह सकते हैं, इट इस अ टाइप ऑफ मेटिंग जिसके अंदर होता यह है कि दो ऑर्गेनिज्म या दो इंडिविजुअल जो हैं दे कम क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, देन दे एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटीरियल, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये एसेक्सुअल से डिफरेंट है इस तरह से कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट है एंड दे आर एंड दे आर एक्सचेंजिंग देयर जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके इसको कहते हैं हम कि ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है जो कि इन सीलिएट्स के अंदर पाया जाता है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की जब हमने बात की, हमने कहा था पैरामीशियम इसकी एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे आप पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि हमने बात की थी कि सीलिया इसके ऊपर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट सीलिएट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके अलावा इसके अंदर एक माइक्रो न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक मैक्रो न्यूक्लियस है, ये बड़ा मैक्रो न्यूक्लियस आपको नज़र आ सकता है, इसके अलावा इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके अलावा जो फूड को रेगुलेट करने के लिए इसके अंदर फूड वैक्यूल है, तो इस तरह से, और ये पिलेकल हमने बात की थी, इसके ऊपर एक आउटर जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये अलग जो स्ट्रक्चर से हम कहते हैं पिलेकल, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है पैरामीशियम का। अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने अमीबा को पढ़ लिया, जूफ्लैजिलेट्स को पढ़ लिया, सीलिएट्स को पढ़ लिया, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर जो कि हैं एक्टिनोपोड्स और फोरामिनिफेरॉन्स, ठीक है। फोरामिनिफेरॉन्स एक्टिनोपोड्स को हम इकट्ठे स्टडी करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर। अच्छा, फोरामिनिफेरॉन्स और एक्टिनोपोड जो हैं इनको हम इकट्ठा क्यों पढ़ते हैं, इकट्ठा इनको पढ़ने की वजह ये है कि ये जो दोनों ऑर्गेनिजम्स हैं इनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कि ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं शेल्स, दे बोथ प्रोड्यूस शेल्स। शेल क्या है, शेल हम कहते हैं कि एक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाया जाता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है और वो हेल्पफुल होता है ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी के लिए भी और ऑर्गेनिज्म को पूरी पूरी लाइफ जो है वो उसके गुजारने के लिए। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म्स हैं जो अपनी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा जो है वो एक शेल के अंदर गुजारते हैं, शेल को हम टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है या जो शेल है ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है। अब ये जो शेल है या टेस्ट है जिनकी बात की हमने, फोरामिनिफेरॉन्स की बात, ये जो शेल है फोरामिनिफेरॉन्स के केस में, फोरामिनिफेरॉन्स, ठीक है, फोरामिनिफेरॉन्स के केस में जो शेल है ये कैल्शियम से मिलकर बना है, जबकि एक्टिनोपोड जो है एक्टिनोपोड्स के केस में ये जो शेल है ये सिलिका से मिलके बना, ठीक है। ये जो शेल है या टेस्ट है इसको हमने कहा कि ये इसकी हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म की। अब एक ऑर्गेनिज्म अगर शेल के अंदर चला गया तो अपने लाइफ प्रोसेसेस किस तरह से गुजारेगा, उस तरह से गुजारता है कि अगर इसने मूव करना है तो ये जो शेल है इसके बाहर, फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म में एक ऑर्गेनिज्म का शेल है, अगर आप इसकी एक साइड देख रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से और यूँ इस तरह से कोई ना कोई शेप या फॉर्मेशन या कुछ ना कुछ इसका बना होगा, ठीक है। तो इस ये जो शेल है इसके ऊपर जो है वो
छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से सुराख होंगे और इन पोर्स के अंदर से इस ऑर्गेनिज्म की जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है या सूरोपोडिया है वो बाहर भी आ सकता है और उसके थ्रू ये मूव कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके अलावा ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ये इसको हेल्प करती हैं किसी भी जो इसको कोई खाने के लिए ऑर्गेनिज्म चाहिए, प्रे चाहिए एक, तो उसके उसको उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन हैं ये बेसिकली स्टिकी होती हैं। स्टिकी का मतलब है कि ये बहुत चिपकने चिपकने वाली जो है वो प्रोजेक्शंस होंगी और ये जो प्रोजेक्शंस हैं ये किसी भी प्रे को या जो इसके नियर जो भी ऑर्गेनिज्म होगा ये उसको अपनी तरफ खींच सकेंगी। अच्छा, ये जो फोरामिनिफेरॉन्स हैं जब ये इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जब ये मर जाते हैं, डेड जो फोरामिनिफेरॉन्स हैं उनके साथ ये होता है कि क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो मर गया लेकिन इसके ऊपर जो आउटर कवरिंग है वो कैल्शियम से मिलके बनी हुई है, तो वो जो कैल्शियम है वो ओशन के नीचे, समंदर के बिल्कुल नीचे जाके इकट्ठा होता रहता है और वो इतना ज़्यादा, एक भी टाइम ऐसा वक्त भी आता है कि वो पूरा का पूरा इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया, एक लेयर बन जाती है जो कि समंदर के नीचे, ओशन के नीचे हो जाती है और वो चेंज हो जाती है इनटू चौक के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। और ऐसे भी हमने देखा है कि पूरे के पूरे लाइम के डिपॉजिट्स हमें मिले हैं, लाइम डिपॉजिट्स, और उनका जो बेसिक ओरिजिन था वो यही ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें हमने कहा फोरामिनिफेरॉन्स। अच्छा, तो ये तो हमने देख लिया दो ग्रुप्स को, फोरामिनिफेरॉन्स और एक्टिनोपोड्स को। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या रह गया प्रोटोजोन्स के अंदर, एपिकम्प्लेक्सॉन्स। एपिकम्प्लेक्सॉन्स जो हैं वो एक लार्जर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ऐसा करते हैं कि हम अपने इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर देते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और एपिकम्प्लेक्सॉन्स को डिटेल में देखेंगे। आज के लेक्चर को थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं इस वाले लेक्चर को। इसके अंदर हमने क्या देखा, हम टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स को देखे थे और टाइप्स ऑफ प्रोटोजोन्स के अंदर आज हमने सीलिएट्स को देखा, सीलिएट्स किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हमने डिफरेंट टाइप्स और करेक्टरिस्टिक्स को देख लिया। उसके बाद फिर हमने इसके एक एग्जाम्पल को देखा जो कि थी पैरामीशियम और उसके हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर्स को देख लिया। उसके बाद हम फोरामिनिफेरॉन्स के ऊपर आ गए और एक्टिनोपोड्स के ऊपर हमने शेल्स और टेस्ट की बात की और फिर हमने देखा कि वो जो शेल्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने और ये जो शेल्स हैं इनके और ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी शेल से किस तरह से चौक और लाइम डिपॉजिट्स बनते हैं ओशन के अंदर। तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक था, अपने नेक्स्ट लेक्चर को यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम अपनी नेक्स्ट जो टाइप है एपिकम्प्लेक्सॉन्स उसको यहाँ से आगे पढ़ेंगे।